सियांस आउट के एक और एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस समय हम लोग खड़े हैं जगदलपुर रेलवे स्टेशन पे। आप मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ये ओवरब्रिज का काम हो रहा है। तो इस ओवरब्रिज का निर्माण अभी लगभग 6 महीने से शुरू हुआ था और अभी भी पेंडिंग ही है, आगे काम चल रहा है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो अभी प्लेटफॉर्म 1, 2, 3 यूज़ हो रहा है, 4, 5 का काम भी उस साइड में चल रहा है। तो आप कहेंगे वाह, जगदलपुर रेलवे स्टेशन का विकास हो रहा है, प्लेटफॉर्म नए नए बन रहे हैं। तो इसी समय आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। पहला सवाल, क्या जगदलपुर रेलवे स्टेशन में सारी सुविधाएं हैं? दूसरा सवाल, क्या जगदलपुर रेलवे स्टेशन में जो अभी सुविधाएं हैं वो यात्रियों के सुविधा अनुसार हैं या उनमें कुछ कमियां हैं? इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप अपने विचार हमसे शेयर कीजिए कि जगदलपुर रेलवे स्टेशन में और क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे जैसे जगदलपुर स्टेशन में क्या सुविधाएं हैं और क्या नहीं है। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि यहाँ से 2 या 3 ट्रेनें ऑर्गेनाइज होती हैं, यहाँ से बनती हैं और जाती हैं। तो अभी तक वॉशिंग प्लांट यहाँ पर नहीं है और उन ट्रेनों में जो वॉशिंग को लेकर अव्यवस्था है वो बहुत भयंकर है। जो यहाँ से सफ़र करते हैं भुवनेश्वर की ओर या फिर राउरकेला की ओर, उन लोगों से पूछेगा वो लोग बता सकते हैं कि ट्रेन में किस तरह की अव्यवस्था रहती है। अब बात करते हैं स्टेशन की सुविधाओं की। तो स्टेशन में बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जो अभी होनी चाहिए। अब आप लोगों को तो पता ही होगा कि इस के लाइन में, किरंदुल से लेके विशाखापट्टनम तक की लाइन में, छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा स्टेशन है जगदलपुर। और स्टेशन में बहुत सारी सुविधाएं अभी नहीं हैं। अब इस ओर रेलवे प्रशासन क्या ध्यान देता है, अब ये तो समय की बात है। आमतौर पे आप लोग को पता होगा कि जब भी रेलवे के अधिकारी आते हैं, कुछ लॉलीपॉप पकड़ाते हैं और चले जाते हैं। अब जैसे पिछली बार इन लोगों ने किया विस्टाडोम कोच को, अब यहाँ से विस्टाडोम कोच लगाने की बात हुई। विस्टाडोम कोच का यहाँ से कोई औचित्य नहीं, क्योंकि वास्तविक रूप से देखा जाए तो वो विशाखापट्टनम से लेके अरकू तक ही काम करता है। अरकू से आगे उसका कोई औचित्य नहीं है, वो बेकार है। और आगे बात करें, अभी जैसे आप लोग को पता होगा कि दिल्ली राजहरा वाली लाइन पे काम चल रहा था, अभी फिलहाल रुका हुआ है, शायद काम नहीं हो रहा है। तो ये स्टेशन जब तक रायपुर से नहीं जुड़ेगा तब तक इस स्टेशन की किस्मत नहीं बदलेगी। जिस दिन ये स्टेशन रायपुर से जुड़ेगा उस दिन इस स्टेशन की भाग्य बदल जाएगा। खैर, समय की बात है, अब देखना है कि कब तक ये हो पाता है। बीच में कुछ युवाओं ने मिलकर आंदोलन भी इसको लेकर चलाया था रेल के लिए, लेकिन वो भी शायद आगे नहीं चल पाया और उसको वो भी अपनी दिशा खो चुका अब ऐसा लगता है। खैर, देखते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जगदलपुर रेलवे स्टेशन में किस तरह की सुविधाओं की कमी है और क्या सुविधाएँ होनी चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं तो विकलांगों के लिए कुछ भी नहीं है, जैसे बैटरी गाड़ी वगैरह है विकलांगों के लिए आवश्यक है, और व्हील चेयर वगैरह की ज़रूरत है, वो भी उसकी भी कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। साथ ही साथ विदेशी जो भी सैलानी यहाँ पे आते हैं उनके लिए भी किसी भी तरह की इंक्वायरी की व्यवस्था यहाँ पे नहीं की गई है। खैर, इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलते हैं। वैसे आपने देखा जो इस तरह से ओवरब्रिज का काम हो रहा है, ये सराहनीय प्रयास है, होना चाहिए, ये पहले ही हो जाना चाहिए था। खैर, चलिए, अब भी हो रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।